नमस्कार, मैं काजल मिश्रा, स्वागत है आपका एनवल लाइव। नजर डालते हिमाचल प्रदेश की मुख्य खबरों पर। हिमाचल में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के जरिए से आउटसोर्स भर्तियों पर हाईकोर्ट ने लगा दी है रोक। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कॉरपोरेशन के तहत पंजीकृत सभी कंपनियों का डाटा वेबसाइट पर अपलोड करने के दिए निर्देश। जब तक सभी कंपनियों का वेबसाइट पर अपलोड नहीं होगा डाटा, तब तक आउटसोर्स भर्तियों पर रहेगी रोक। 21 नवम्बर को होगी मामले की अगली सुनवाई। 5 दिन से शिमला में हड़ताल पर है हिमाचल के वोकेशनल टीचर। इसे 1100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज्यादा छात्रों की पढ़ाई भी हो रही प्रभावित, फिर भी सरकार इन्हें वार्ता को नहीं बुला रही। वहीं वोकेशनल टीचर सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों को बाहर नहीं करने तक हड़ताल पर डटे रहने की दे चुके हैं चेतावनी। हड़ताल पर गए वोकेशनल टीचर हरियाणा की तर्ज पर उनकी सेवाएं विभाग के अधीन लाने की कर रहे हैं मांग। हिमाचल में उपजे समोसा विवाद पर सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने दी प्रतिक्रिया। नरेश चौहान ने दिया बयान कि अब बिल्कुल है गलत बयानबाजी, नहीं हुई है कोई इस तरह की जांच, हमें समझ नहीं आता कि यह कैसी चल रही है न्यूज। इस सरकार को बदनाम करने के लिए कुछ लोग मिलकर करते रहते हैं साजिश। हिमाचल में कांग्रेस सरकार पर गोबर खरीद के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बोला है हमला। जयराम ठाकुर ने कहा कि चुनाव से पहले कांग्रेस ने गोबर खरीदने की दी थी गारंटी, लेकिन अब सरकार कह रही है कि वह गोबर नहीं खरीदेगी, खरीदेगी कंपोस्ट। जयराम ठाकुर ने सरकार पर किसानों को ठगने का लगाया है आरोप। पड़ोसी राज्य से आ रहा नशा हिमाचल की नई पौध को कर रहा है बर्बाद, कई स्कूली बच्चे भी ले रहे हैं ड्रग्स। प्रदेश के 204 स्कूलों में 7,500 छात्रों पर हुए सर्वे में 9.2% किशोरों के इंजेक्शन से नशा लेने की सामने आई है बात। नशा मुक्ति केंद्रों में भर्ती में 15 से 30 साल के 1170 युवाओं में तकरीबन 35% चिट्टे की लत के हैं शिकार। पुलिस थाना धर्मशाला की टीम ने एक निजी वॉल्वो बस से नशीले पदार्थों से 40 लाख रुपए कैश किया है बरामद। इस संदर्भ में पुलिस ने गमरू निवासी को गिरफ्तार कर शुरू कर दिया आगामी जांच। एचआरटीसी की बस किस समय कहां पहुंची है अब सिर्फ एक क्लिक पर लोगों को मिल जाएगी इसकी जानकारी। एचआरटीसी प्रबंध ने बसों को रियल टाइम पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम से जोड़ने के बाद शुरू कर दिया ट्रायल। पहले चरण में कुछ चुनिंदा रूटों को जोड़ा जा रहा है इस सेवा से। प्रदेश सरकार ने एचआरटीसी को हाईटेक बनाने की दिशा में शुरू कर दिया प्रयास। कुल्लू में सेब के बाद अब जापानी फल भी किसानों की आय का बन रहा है जरिया। जापानी फल की खेती से किसानों को हो रही अच्छी कमाई, इस बार जापानी फल की डिमांड भी है काफी ज्यादा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से भी आ रही है इसकी अधिक मांग। नवंबर माह के बढ़ने के साथ साथ अब तापमान में भी आने लगी हल्की गिरावट। अधिकतम तापमान अब सिर्फ ऊना में ही 30 डिग्री से चला हुआ है पार, जबकि ताबो के बाद अब कुकुमसेरी में माइनस में चल रहा है न्यूनतम तापमान। ऊना में 30.2 डिग्री रहा अधिकतम तापमान, जबकि ताबो में -1.7 और कुकुमसेरी में -0.4 डिग्री चला हुआ है न्यूनतम तापमान। 8 नवंबर को यानी आज उगते सूर्य को अर्घ देने के बाद हिमाचल में भी हुआ छठ महापर्व का समापन। हिंदू धर्म में यह दिन माना जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। इस दिन व्रती महिलाएं सुबह उगते हुए सूर्य को नदी के घाट पर जाकर देती हैं अर्घ। इसके साथ ही छठी माता और सूर्य भगवान की भी करती हैं आराधना और अपनी संतान की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य की करती हैं कामना। तो ये थी हिमाचल प्रदेश की अब तक की मुख्य खबरें। ऐसे तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनवल लाइव।